नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर से संबंधित टॉपिक काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, मतलब कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को कैसे ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। अगर आप पहले प्रश्न को ध्यान से देखें, ये पहला प्रश्न आपके सामने है कि इस फिगर में हम कैसे काउंटिंग करेंगे, जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, त्रिभुजों की संख्या है, उसको कैसे काउंट करेंगे। तो इसका आसान सा तरीका ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखें कि ये जो ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये, और इसमें अगर आप देखें, ये इसके अंदर ये ट्रायंगल बनी हुई है, इसके अंदर ये बनी हुई है, और इसके अंदर ये बनी हुई है। तो इसको अगर आप अलग से ड्रॉ करें तो आपको क्या नज़र आएगा कि यह जो ट्रायंगल है वो इस प्रकार से बनी हुई है। और इस तरह की आकृति को कैसे हल करते हैं, उसके लिए एक नई ट्रिक है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास n की वैल्यू इवन होती है तो फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जब n की वैल्यू ऑड होती है तब दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो आज इसको बिना फॉर्मूले के हल करेंगे। आप यहाँ पर काउंट करें 1, 2 और 3 कि नीचे आपकी कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं। 3 ट्रायंगल बन रही हैं, तो आप इसको लिखेंगे 1, 2 और 3 इस प्रकार से। उसके बाद क्या करेंगे, एक को एज इट इज़ लिखेंगे, एक में 2 जोड़ देंगे, उसके बाद 2 जोड़ने पे मिलेगा 3, और 3 में फिर 3 जोड़ेंगे आपको मिलेगा 6। तो इसका आप टोटल कर दें, 6 और 3, 9 और 1, 10। उसके बाद आप जाएंगे ऊपर की तरफ। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, जो सबसे पहला नंबर है उसको हम ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट नंबर को पिक करेंगे, फिर हम उसको ड्रॉप कर देंगे। तो जो पिक किया वो है नंबर 3। तो 10 में हम 3 को जोड़ दें तो टोटल ये आया 13। तो एक फिगर में हमारे पास 13 ट्रायंगल्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये तो सीधी ट्रायंगल थी, उसके बाद एक ट्रायंगल है जिसको उल्टा करके इसमें लगाया गया है इस प्रकार से, मतलब कि सीधी ट्रायंगल में 13 हैं, उसके बाद जो दूसरी ट्रायंगल है जिसको उल्टा करके इस तरह से लगाया गया है, अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली ट्रायंगल, तो 13 इसके अंदर हैं और 13 इसके अंदर हैं, तो टोटल हुआ 13 और 13, 26। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रायंगल हैं जो इनमें कॉमन हैं, जिसको हमने 2 बार गिन लिया है। तो वो ट्रायंगल कौन कौन सी हैं, अगर आप ध्यान से देखें उसकी नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 ट्रायंगल ऐसी हैं जिसको हमने 2 बार गिना है। तो इसमें क्या करेंगे, 13 जमा 13, 26 और माइनस 6, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी इस फिगर में वो होंगी 20। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को हम बिना फार्मूले के सॉल्व करते हैं और इसको कैसे करेंगे। हम देखेंगे कि नीचे हमारे पास ट्रायंगल कितनी बनी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जितनी ट्रायंगल हमारी बनी हुई हैं उसको हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस प्रकार से। एक को एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद एक में 2 जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा, 6 में 4 जोड़ें तो 10 मिलेगा, 10 में 5 जोड़ने पर 15 मिलेगा, और 15 में 6 जोड़ने पर 21 मिलेगा। उसके बाद इन सभी नंबरों का हम जोड़ कर देंगे, जब जोड़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 56। 56 करने के बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, सबसे पहले नंबर को ड्रॉप करेंगे, उससे अगले नंबर को पिक करेंगे, उससे अगले को ड्रॉप, पिक, ड्रॉप और पिक। तो जो पिक किए हैं वो कौन कौन से हैं, 15 है, 6 है और 1 है। तो इसको हम 56 में ऐड कर देंगे, 56 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया कि इस आकृति में कुल जो नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं वो 78 हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं आप इसमें याद रख सकते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 1 होंगी, n की वैल्यू 2 है तो 5 होगा,
एन की वैल्यू 3 है तो संख्या होगी 13, एन की वैल्यू 4 है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 27, और एन की वैल्यू अगर 5 है तो वो होगा 48। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में 5 तक ही पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। अगर इसके आगे आप जाना चाहें, अगर एन की वैल्यू 6 है तब नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगी 78, एन की वैल्यू अगर 7 है तो होगी 118, और एन की वैल्यू अगर 8 है तो होगी 170। तो अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर एन की वैल्यू से क्या मतलब है, एन की वैल्यू का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप देख सकते हैं कि टोटल जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 है। या ऐसे भी देख सकते हैं कि जो नीचे की जो बेस लाइन है उस पर ट्रायंगल कितनी बनी हुई है, उसको भी n बराबर आप लिख सकते हैं, नंबर n इक्वल टू 6। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये प्रश्न एक बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप बताएं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो अगर हम देखें जो हमें विजिबल है उसको नंबरिंग दे देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें 5 तो हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोई और ट्रायंगल है जो हमें बनानी पड़ सकती है? इसमें एक ट्रायंगल तो ये है बड़े वाली, तो +1, और दूसरी ट्रायंगल ये वाली है, ये तो +1। तो 5 + 1 + 1 तो टोटल हुआ 7। तो इस ट्रायंगल में, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल वो 7 हैं। उसके बाद इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने स्टार्टिंग में एक बेसिक पिक्चर है उसको हल किया था, कि ये बेसिक पिक्चर है जिसमें हम लिखते थे 1 और 2 ट्रायंगल को नाम दिया, तो इसको जोड़ दिया 1 + 2, तो इसमें टोटल 3 ट्रायंगल हुई। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को करते थे। अगर इसको करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि बीच में कोई लाइन है। हम सिंपली जितने भी इसमें ट्रायंगल नज़र आ रही हैं उसको नंबरिंग देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से। और इसको नंबरिंग देने के बाद हमें क्या करना है, इन सभी नंबर का हम जोड़ करेंगे, इनका सम करेंगे। तो क्या होगा, 6 + 5 = 11 + 4 = 15 + 3 = 18 + 2 = 21। तो इनका जो टोटल सम हमारे पास आया वो आया 21। तो 21 ट्रायंगल हैं जो हमने बड़ी आसानी से बता दी हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम पहली इस बेस लाइन को कंसीडर करते हैं, और इसके बाद अगर हम इस बेस लाइन को कंसीडर करें तो हमें अब देखना है कि ये ट्रायंगल्स कितने हैं। तो नंबरिंग करेंगे 1 और 2, तो 1 + 2 ये हुए 3। तो 3 को इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद दूसरी बेस लाइन को देखते हैं, ये वाली, तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और 4। तो इनका सम कितना हुआ, 4 + 3 + 2 + 1, तो ये हुआ 10। तो 21 पहले थी, 3 ये हैं और 10 ये हैं। तो जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 34। तो इस फिगर में या इस आकृति में कुल 34 ट्रायंगल हैं। तो बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की। अब ये फिगर आपके सामने है, ये वाली फिगर, इसमें हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, या दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इसको हम दो पार्ट में देखते हैं। पहला पार्ट तो ये वाला पार्ट है जिसको हम लेफ्ट साइड बोल देते हैं, और दूसरा हमारा ये पार्ट है जिसको हम राइट साइड बोलेंगे। तो लेफ्ट पार्ट में आप नंबरिंग कर सकते हैं 1, 2 और 3। जब इनको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3, तो ये हुआ 6। तो 6 तो हमारे लेफ्ट साइड में हैं। उसी तरह अगर आप इस तरफ देखें, बिल्कुल एज इट इज़ पार्ट है, तो नंबरिंग करें 1, 2 और 3, तो यहाँ पर भी 6 यहाँ पर हैं। तो 6 + 6, तो 12 तो बिल्कुल आसानी से हमें नज़र आ रही हैं। तो क्या इसके अतिरिक्त कोई और एक्स्ट्रा ट्रायंगल है जो इसमें बन रही है? तो अगर ध्यान से देखें, हमें पता चलता है कि एक ट्रायंगल तो ये बनेगी जो 1 और 3 के साथ है, एक दूसरी ट्रायंगल इसमें बनेगी
ये वाली जो दो दो के साथ है एक, और एक तीसरी ट्रायंगल बनेगी ये जो बड़ी ट्रायंगल बनेगी एक और तीन के साथ ये वाली, तो तीन ट्रायंगल और इसमें एक्स्ट्रा बनेगी, तो 12 जमा 3 तो कुल इसमें 15 ट्रायंगल होंगी। इसको हम अलग से दिखा सकते हैं आपको क्लियरली हो जाए, एक और तीन के साथ एक ट्रायंगल बनी, दो दो के साथ एक बनी, तीन और एक वाली इसमें अलग से बनी, तो 12 जमा 3 इसमें कुल 15 हो गई हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हैं। तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें इसको भी हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये एक पार्ट है, तो इसको हम नंबरिंग देंगे 1 और 2, तो 1 जमा 2 ये हुए 3। उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं, इसको हमने अलग से मान लिया इस वाले पार्ट को, तो इसमें भी क्या है 1 और 2, 1 जमा 2 3 इसमें हैं। और तीसरा पार्ट है इसमें ये वाला 1 और 2, इसको भी नंबरिंग दे दी हमने, तो 1 जमा 2 3 इसमें हैं। तो इस प्रकार टोटल हमें 9 ट्रायंगल तो इस प्रकार से मिल जाती हैं। तो क्या इसके अलावा इसमें और भी ट्रायंगल हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ी नेमिंग कर देते हैं। जैसे इसको लिख दिया पी क्यू आर और एस, तो इसमें अगर आप देखें कि क्या हमें और ट्रायंगल मिल रही हैं, तो इसमें देखने पर पता चलता है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर ये वाली ट्रायंगल एक ये है, उसके बाद एस क्यू आर, एस क्यू आर ये वाली ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल बनती हैं। तो कुल इसमें 9 पहले थी और 2 बाद में बनी, तो 9 और 2 11। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, जैसे हम बेसिक पिक्चर अगर हम बात करें, ये क्लोज्ड फॉर्म की फिगर है जिसमें ट्रायंगल अंदर होती है एक बॉक्स के, तो इसको हम कैसे हल करते हैं? अगर आप ध्यान से देखें इस पूरी आकृति में एक बेसिक पिक्चर है ये वाली, और इसमें काउंटिंग किस प्रकार से की जाती है, अंदर की जितनी भी ट्रायंगल्स हैं उनको नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3 और 4, और जो बड़ा नंबर है उसको 2 से भाग करेंगे, उसका डबल करेंगे तो वो आ जाएगा 8। तो इस तरह की एक आकृति में 8 ट्रायंगल हैं, तो क्या होगा, 8 इसके अंदर हैं, 8 इसके अंदर हैं, 8 इसके अंदर हैं और 8 इसके अंदर हैं, तो टोटल हमारे पास 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8, तो 32 ट्रायंगल तो ये हो गई हैं। तो क्या इसके अतिरिक्त और भी हैं जो इसमें बन रही हैं, क्या हम उसको बता सकते हैं? अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसमें अगर मैं इन बॉक्स के नाम रख दूं कि इस डिब्बे को ए बोल दिया, इस डिब्बे को बी बोला, इसको सी और इसको डी, 4 डिब्बे हमने बना लिए हैं। अगर आप ए बी डिब्बे को देखते हो तो ए बी डिब्बे में हमें 2 ट्रायंगल मिल रही हैं, क्योंकि ये बीच की लाइन कॉमन है, तो यहाँ से एक ट्रायंगल तो ये बनेगी ये वाली, और एक बनेगी ये वाली, तो 2 ट्रायंगल बनी ए बी बॉक्स के अंदर। उसके बाद बी सी बॉक्स को अगर आप देखें, बी और सी, ये बी है और सी है, तो एक तो इस पॉइंट से बनेगी, अगर आप ध्यान से देखें ये वाली, और एक बनेगी इस पॉइंट से ये वाली, तो 2 ट्रायंगल बनेगी बी और सी में। उसके बाद अगर आप देखें बी और डी, बी डी बॉक्स को अगर आप देखें, ये बी बॉक्स है, ये डी बॉक्स है, तो इसमें भी हमारे पास 2 ट्रायंगल बनेगी, एक तो बनेगी ये वाली और दूसरी बनेगी ये वाली, तो बी डी में 2 हैं। तो क्या इसके अतिरिक्त और भी बनने वाली हैं? तो इसमें अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें इसमें 2 बड़ी ट्रायंगल और बनेंगी, एक तो बनेगी ए बी डी बॉक्स में, ए बी डी बॉक्स में एक बड़ी ट्रायंगल बनेगी, और वो ट्रायंगल होगी यहाँ से शुरू होगी वो ये वाली, और ये बड़ी ट्रायंगल इसमें बनेगी एक, तो ए बी डी बॉक्स में एक बड़ी ट्रायंगल बनेगी। उसके बाद बी सी डी, अगर आप बी सी डी बॉक्स को देखते हो, बी सी और डी, इसमें एक बड़ी ट्रायंगल बनने वाली है, वो ट्रायंगल यहाँ से शुरू होगी ये वाली ये,
तो ये बड़ी ट्रायंगल इसमें अलग से बनने वाली है बी सी डी बॉक्स के अंदर। तो बी सी डी बॉक्स में एक ट्रायंगल बड़ी बनी। तो इस प्रकार देखें एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितनी बनी, दो और दो चार, दो छः और दो आठ। तो कुल हमारे पास आठ ट्रायंगल हैं जो एक्स्ट्रा बनी हैं। तो फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वो कितनी होंगी, 32 पहले थी, 8 बाद में बनी, तो टोटल हुआ 40। तो इस फिगर में कुल 40 ट्रायंगल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखें तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप कोशिश करें आसानी से कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हम बाहर वाले बॉक्स को देखते हैं, उसकी नंबरिंग करते हैं। इसमें करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जो बड़ा नंबर है उसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 × 2 = 16, तो बाहर वाले में 16 हैं। उसी प्रकार जो अंदर का बॉक्स है उसमें हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बड़े नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 = 16। 16 पहले वाले में और 16 बाहर वाले में भी हैं और 16 अंदर वाले में भी हैं। तो टोटल इस फिगर में या इस आकृति में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं वो होंगी 32। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की काउंटिंग ऑफ फिगर के महत्वपूर्ण टॉपिक काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।